हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले कई दिनों से आप लोगों को पार्लर में रखे जाने वाले ज़रूरी सामान के बारे में डिटेल देते जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि शुरुआत से हमें क्या क्या रखना है, तो आज की क्लास में जो है हमारा हेयर से रिलेटेड क्या क्या सामान रखना है उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। तो जब भी मैं एक क्लास स्टार्ट करूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग एक पेन और एक कॉपी ज़रूर रखिए, ताकि जो मैं आपको बता रही हूं आप लिखते जाइए, ताकि जब भी आप लोग इसे परचेज़ करें तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए सामान की कि ये सामान है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे पार्लर के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हेयर से रिलेटेड जितना भी सामान होता है वो मैं आपको बताने जा रही हूं क्या क्या चाहिए। अगर कुछ इसमें से मिस हो जाता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम उस सामान को भी ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों को हेयर्स के सामान के लिए चाहिए होते हैं कॉम्ब्स। तो हम कुछ तरीके के कॉम्ब्स रखेंगे अपने पार्लर में। एक सेक्शनिंग कॉम्ब आता है, एक इस तरीके से टेल कॉम्ब आता है, ये स्टाइलिंग के काम में आता है, और जब हम हाइलाइट्स करते हैं तो वीविंग के काम में आता है। तो इस तरीके से टेल कॉम्ब रखना है, इस तरीके से कॉम्ब रखना है। जो कटिंग कॉम्ब होता है थोड़ा बड़ा रखते हैं ताकि सेक्शन जो हमें अच्छे से उठा सकें, इसलिए कुछ तरीके से आप 4 से 5 तरीके के कॉम्ब्स रखेंगे। एक डिटैंगलिंग करने के लिए ऐसा ब्रश आता है, तो ये ड्रायर करने के समय भी काम आता है। जब हम फ्लैट ड्रायर करते हैं, स्ट्रेट ड्रायर, उस समय भी ये ब्रश हमारे काम में आता है। तो हमें चाहिए कॉम्ब्स और चाहिए हमको सेक्शन क्लिप्स। इस तरीके से आप लोग सेक्शन क्लिप्स को रखेंगे अपने पार्लर में, तो हेयर्स को होल्ड करने के काम में आती है सेक्शन क्लिप्स। इसके बाद हमको चाहिए होता है हेयर कट करने के लिए सीज़र। तो मैं जैगुआर ब्रांड की ये सीज़र यूज़ करती हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नॉर्मल सीज़र लेके स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका हाथ अच्छा होता जाएगा हेयर कट में, आप अच्छे से अच्छी कॉस्टली जो सीज़र है वो परचेज़ कर सकते हैं। तो सीज़र जो स्टार्टिंग होती है 250-300 रुपये से ठीक ठाक सी सीज़र मिल जाती है, उसके बाद 5-6 हज़ार 10 हज़ार तक कोई लिमिट नहीं है, बहुत कॉस्टली सीज़र्स आती हैं। तो आप जैसा आप सही समझे वैसी सीज़र ले सकते हैं। स्प्रे बॉटल की नीड रहेगी, इस तरीके से आप 1 या 2 स्प्रे बॉटल भी अपने पार्लर में रखेंगे। अगर आपके पास शैम्पू स्टेशन नहीं है तो आप बाल गीले कैसे करेंगे, तब आपको स्प्रे बॉटल की नीड रहेगी। और यही स्प्रे बॉटल आपके फेशियल में भी काम में आती है, इसलिए 2 से 3 स्प्रे बॉटल आप ज़रूर रखेंगे अपने पार्लर में। और हमको चाहिए फ्लैट ब्रश, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ऐसा ब्रश हमको चाहिए। यह आइकॉनिक ब्रांड का ब्रश है। और हमको चाहिए सेक्शनिंग कॉम्ब, वो मैंने आपको बता दी। कटिंग शीट चाहिए होती है, जब भी आप अपने क्लाइंट का हेयर कट करेंगे तब आपको कटिंग शीट की नीड रहेगी, तो इस तरीके से कटिंग शीट आती हैं। और एक आता है एप्रन, जो कि आप खुद पहनेंगे हेयर कट करते समय, ताकि हेयर्स जो है वो आपके कपड़ों के ऊपर ना गिरें और थोड़ा अनहाइजीनिक ना हो, इसलिए आप खुद भी एप्रन का यूज़ करेंगे। कोई भी सर्विस करेंगे तो एप्रन का यूज़ करना है। इसके बाद हमको चाहिए ट्रॉली, एक ट्रॉली आती है, इसमें सेक्शंस होते हैं, और ट्रॉली रखना ज़रूरी होता है पार्लर में, ताकि आप उसके अंदर अपने कॉम्ब्स को रख सकें, अपनी सीज़र को रख सकें, और भी जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऐसे ब्रशेज़ आते हैं, इनको रख सकें। तो इन सब के लिए आपको एक चाहिए होती है ट्रॉली, जो कि 4-4.5 हज़ार की या 2.5 हज़ार से शुरू होती होगी। जो मेरे पास है वो 4,000 करीब की है, 4,500 की। तो इस तरीके से आप ट्रॉली रखेंगे अपने पार्लर में। ड्रायर स्टैंड चाहिए होगा, इसके लिए आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा ड्रायर स्टैंड कैसा होता है। ड्रायर की नीड रहती है, ड्रायर हम लोग ऐसे आइकॉनिक ब्रांड का रखते हैं। मैंने 3 से 4 ड्रायर रखे हुए हैं, आप भी एक ड्रायर से तो स्टार्ट ज़रूर कीजिए, ड्रायर की नीड रहती है। इसके बाद हम लोग को चाहिए होती है टोंग, तो आप एक टोंग ज़रूर रखें अपने पार्लर में। इस तरीके से टोंग आती है, ये आइकॉनिक ब्रांड की है। जो ब्रांड आपको अपनी रेंज के अकॉर्डिंग सूटेबल लगे आप वो वाला ब्रांड ले लीजिएगा। जो बेस्ट मेरे को लगती है वो आइकॉनिक ब्रांड है। इसमें आप 22 नंबर की टोंग लीजिएगा, जो कि आपको कर्ल्स डालने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इसके बाद हम लोग लेंगे स्ट्रेटनर, तो इस तरीके से आप अच्छा किसी ब्रांड का स्ट्रेटनर ज़रूर रखेंगे अपने पार्लर में, क्योंकि स्ट्रेटनिंग भी करेंगे आप, टेम्परेरी भी करेंगे, तब भी स्ट्रेटनर की नीड रहेगी। और आपको चाहिए क्रिम्पिंग मशीन, जब हम हेयर स्टाइल करते तब हमें क्रिम्पर की नीड रहती, तो ऐसा क्रिम्पर आप लोग रखेंगे अपने पार्लर में। फिक्सिंग स्प्रेज रखेंगे कुछ आप इस तरीके से, जब आप हेयर स्टाइल करेंगे तब आपके काम में आएगा फिक्सिंग स्प्रे। टॉवल्स रहेंगे काम में, अगर आपके पास शैम्पू स्टेशन है और आप लोग वॉश करते हैं अपने पार्लर में, तो आपको टॉवल की नीड रहेगी बैक पे लगाने के लिए। और आपको चाहिए हेड कैप्स, तो इस तरह की डिस्पोजेबल हेड कैप्स आती हैं। ये हम किस काम में लेते हैं, जब हम लोग हेयर स्पा करते हैं
तब हमें ये लगाने के काम में आती है हेयर्स पे। तो इस तरीके से आप हेड कैप्स, ये तो डिस्पोजेबल है, बाकी कुछ ऐसी भी आती है जो वॉशेबल होती है। तो इस तरीके से हेड कैप हम लोग रखेंगे अपने पार्लर में। तो ये सारा सामान जब आप रखते जाएंगे तो आपका पार्लर धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ता जाएगा। और हम लोगों को नीड रहेगी इसमें शैम्पू स्टेशन रख सकते हैं हम लोग अपने पार्लर में। अगर आपको स्पेशियस पार्लर है और आपको एक अच्छे लेवल का स्टार्ट करना है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं, बीच के स्टैंडर्ड का जो पार्लर होता है वो करना है, तो एक शैम्पू स्टेशन रखना ज़रूरी होता है। कुछ शैम्पूज़ रखेंगे हेड वॉश करने के लिए, जिस तरीके से हम रागा ब्रांड के यूज़ करते हैं हेयर कट के लिए, नॉर्मल के लिए। और कंडीशनर्स रखते हैं हम लोग। सीरम की नीड रहेगी आपको। कुछ स्पा क्रीम आप लोग रखेंगे, जैसे मैट्रिक्स की रख लीजिए, वेला की रख लीजिए और लॉरियल की रख लीजिए, जो आपको सही लगे। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इसमें भी। और आप लोग रखेंगे हेड स्टीमर। हेड स्टीमर की भी मैं जो फ़ोटो है वो आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो हेड स्टीमर रखिए अगर आप लोग स्पा की सर्विस देते हैं तो। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी क्या क्या चीज़ें हेयर्स के काम में आती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप मार्केट में सामान लेने जाएंगे अपने पार्लर के लिए। तो ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।